वाइल्ड लाइफ। आज हम जानेंगे भूरा कंगारू के बारे में। भूरा कंगारू ऑस्ट्रेलिया का विश्व प्रसिद्ध जानवर है। कंगारू ऑस्ट्रेलिया की पहचान है। कंगारुओं की अनेक जातियों में से लगभग 90 में से भूरा कंगारू प्रमुख है। लाल कंगारू गर्म शुष्क प्रदेश में रहते हैं, जबकि भूरे कंगारू को ठंडा मौसम प्यारा है। अब जानते हैं कंगारुओं के शरीर के बारे में। कंगारुओं की पिछली दो टांगें बहुत लंबी व मजबूत होती हैं। इन्हीं के बल पर कंगारू लंबी लंबी कुलांचे भरता है और 56 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भाग सकता है। कंगारुओं की पूंछ मोटी व लंबी होती है, जो कुलांचे भरते समय शरीर को संतुलित रखने के काम आती है। कंगारू का बच्चा माँ के पेट में बनी थैली में रहता है। गर्भ में विकसित होने के कुछ ही सप्ताह बाद कंगारू का बच्चा माँ के पेट से निकल माँ के पेट पर बनी थैली में पहुँच जाता है। उस समय उसकी लंबाई 1 या 2 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद वह लगभग 6 महीने बड़ा होने तक इसी थैली में पलता है। कंगारुओं का मुख्य भोजन घास है। कंगारू झुंडों में रहते हैं और ये गहरी निंद्रा में कभी नहीं सोते। वे रह रहकर नींद से जागकर शत्रु की टोह पाने के लिए हवा सूंघते हैं। सच तो यह है कि पूरे सोते झुंड में एक कंगारू पूरी तरह से जागता रहता है और चौकसी करता है। चलो देखते हैं भूरा कंगारू के बारे में पढ़ी गई जानकारी आपको कितनी याद रही। बताइए कंगारू कहाँ पाया जाता है? कंगारू के भागने की अधिकतम गति क्या है? प्रश्न 3, भूरे कंगारू को कैसा मौसम अच्छा लगता है? प्रश्न 4, कंगारू का बच्चा कितने महीने माँ के पेट की थैली में रहता है? प्रश्न 5, कंगारू की कितनी जातियाँ होती हैं? प्रश्न 6, कंगारू की पूंछ किस काम आती है? प्रश्न 7, कंगारुओं का भोजन क्या है? प्रश्न 8, सही या गलत बताओ। नंबर 1, कंगारू झुंड में नहीं रहते, बताओ सही या गलत। नंबर 2, ये गहरी निद्रा में कभी नहीं सोते, सही है या गलत।